एक बड़ी खबर सामने आ रही है गया के बाराचट्टी से, जहां 10 लाख का इनामी नक्सली एनकाउंटर में ढेर हो गया है। बताया जा रहा है कि नक्सली ग्रामीणों की हत्या कर भागने की फिराक में था, तभी कोबरा बटालियन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ढेर हो गया। यह कार्रवाई बाराचट्टी के मोवारिक में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में नक्सली के साथ 3 लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मोवारी गाँव में एक सांस्कृतिक आयोजन किया गया था, जिसमें नक्सली आलोक यादव चादर ओढ़कर कार्यक्रम में शामिल हुआ था। कार्यक्रम के दौरान ही उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 ग्रामीणों की मौत होने के साथ कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना में घायल ग्रामीण अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। वहीं SSP अभियान राजेश सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस और कोबरा के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक नक्सली को मारा गया है, जिसमें नक्सली का नाम आलोक यादव बताया जा रहा है। इस बाबत के बाद गया पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ क्षेत्र में सर्च अभियान चला रही है। BT न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। आलोक